मॉर्निंग भाई साहब, जा रहे हैं भैया, चल रहे हैं, मुझे लेके राउंड कोहल वाले का घर दिखाना है, फिर मैं निकल जाऊंगा, आपको भी दिखाऊं, क्योंकि वो भी पाक बड़े में रहते हैं, तो जूते वगैरह पहन लेते हैं, क्योंकि जूते अंदर रखे भैया, क्योंकि बंदर यहाँ के बड़े मज़ेदार हैं, एक मिनट में ख़राब कर दें। ये रहा हमारा बंदर भैया, सामान वगैरह सब अंदर है मेरा, ठीक है चलते हैं भैया। उनके भैया गाड़ी है रेड वाली, भैया लेके जा रहे हैं, तो घर भी इनके यहीं पे होगा। आईडी यहां से मतलब जो है लड़का है ना, उसके घर में वीडियो को तमाम सब एक मोहल्ले में रह रहे हैं, दो तीन जने। अच्छा, तो इन्होंने तो बाहर वगैरह भी ले लिया होगा, जगह वगैरह अपना सब बढ़िया। ये जो है यही काम कर रहा है, प्लॉटिंग का। अच्छा, किसका प्लॉटिंग? मतलब मकान, मतलब अच्छा प्लॉट। अच्छा, मेरी भी उनके भैया गाड़ी है ये थार, बढ़िया भाई, बढ़िया बना रखी है। ये मकान ये होता है ना, मोहल्ले का तो देखभाल रहता हूँ। अच्छा, ना अब मत जगवाइए ना, हाँ अब नहीं, अब ऐसा ना थोड़ा अजीब लगेगा, सुबह 5 बज रहे हैं। यहीं पे है राउंड टहल वाले का घर आस पास। अच्छा, इधर उधर दो आपस में ही है? हाँ, अपन सब भाई हैं, दो तीन जने। अच्छा जी, और भैया सब यहीं रह में पाक बड़े में किस है? आना हो तो भैया पाक बड़े में रहेगा, मिल रहा हूँ राउंड टहल वाले भैया, उनकी गाड़ी दिख गई मुझे, बाकी चलो चल रहे हैं। हाँ भैया, क्या हुआ? भैया ऐसा वो आते हैं 12:30 बजे, उनकी गाड़ी है, देखो ये उनके भैया की है ना। हाँ, नंबर देख लो आप, ठीक है, कभी देखा तो समझ जाना, उनके उनकी गाड़ी है ये, भैया ने बताई है। अब वो भैया सुपर टेक में रहते हैं, यहाँ से मतलब आते तो हैं यहाँ पर, आते हैं 12:30 बजे। एक दो किलोमीटर है पर, बाकी तो मैं अब चलता हूँ, ठीक है, मैं सोचा तो मिल जाऊंगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी आपको बता ही दिया कहाँ पे है, पागवाड़ा में, पागवाड़ा ना। हाँ जी, और देखो चलो चलता हूँ, ठीक है भाई, जल्दी से जल्दी आओ। चल रहा हूँ रघुनंदन जी से, नमस्ते, धन्यवाद, मैं उन्होंने रुकने के लिए, ये सारे अपने भैया रात में भी थे ना तुम? हाँ। रात में भी थे और सुबह में भी आ गए हैं, और ठीक, सब्सक्राइब कर लिया चैनल? हाँ ठीक है भैया, करते हैं टाटा बाय बाय सब, सुन अब निकलते हैं अपनी यात्रा पर दोबारा घर के लिए, मतलब चलो भैया, हो गया 8:20 और पागवाड़ा से करते हैं टाटा बाय बाय। भाई यहीं पे रहती है राउंड टहल की पूरी टीम, गया था सुबह मिलने, मिल नहीं पाए, कोई दिक्कत नहीं, वो 12 बजे आते हैं, पर इतना मेरे पास फिर लेट हो जाऊंगा, तो चलो चलता हूँ, है ना। और ये तुम्हें पता सामने है भैया, हाईवे पे चलता हूँ, ठीक है, निकलता हूँ फिर अपने जल्दी से, आगे की जर्नी करते हैं ख़त्म आज की, 100 किलोमीटर आज दोबारा से, कल तो मैंने 126 कुछ करा था, 26-27 कुछ, हाँ ऐसा कुछ किया था, आज 100 दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है चलो चल। 9:32 हो गए हैं और सोया पार कर दिया मैंने, और भाई एक बात बताऊँ, यहाँ पता प्रॉब्लम क्या है, मुरादाबाद के बाद पता क्या, ये फ्लाईओवर जो है ना, ये प्रॉब्लम है, एक सार रोड हो तो आदमी चला भी ले, अब ऊपर नीचे ऊपर चढ़ाना है, खींचना उतारना, भारी बन जाओ फ्लाईओवर पर उतरूँ, अब फिर आगे को फ्लाईओवर है, अब यू हापुड़ तक वहाँ पे है, पूरे नोएडा तक सेम ऐसी है, फ्लाईओवर आते जा कर जाएंगे, चलो करना तो है ये भी, चलो ठीक है भाई, चढ़का हूँ एक है, अब और चढ़ना हो सालों ने पहाड़ बना रखा हो पढ़ के हट मगर जाना यार साइकिल, चलो खींचते हैं, तो खींचनी पड़ेगी भाई, अब एक टोल गेट और आ गया, टाइम हो गया कुछ 10 बजने वाले, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता भाई एग्जैक्ट क्या टाइम हो रहा है, देखा नहीं, वीडियो ऐसे ऑन कर दी, मैंने टाइम देखा, तो चलो करते हैं पार, ठीक है, लेट आ रहा है,
टॉयलेट करके आ रहा हूँ, साइकिल वो खड़ी, टॉयलेट का खंडर ज़्यादा लग रहा है भाई। देखियो इतनी बड़ी बिल्डिंग खंडर बन के पड़ी है, दिखाओ अंदर से थोड़ी बहुत, फट भी गई है। देखियो राम जाने ये क्या था, ये कोई ऑफिस था, ट्रैफिक। और दिखाओ सामने से, देखो ये रुको दिखाऊं तुम्हें, देखो पूरी साइकिल दो वाला सीन है, एक तो अपना गेट बंद हो जाओ, अरे यहाँ तो बुरा हाल कर रखा है। बिना आज्ञा के प्रवेश स्वागत है, मैं तो घूम के भी आ रहा हूँ। है भाई साहब देखो बिना प्रवेश, हाँ नहीं हम तो होके भी आ रहे, चले देख लिया खंडर पड़ो कते, ऊपर भी है मंजिल, और चलो चल रहे हम तो, ठीक है निकलते हैं पानी पी लो। अब इस जगह के बारे में किसी से पता ही हो, ये जगह है, साइकिल मैं यहाँ खड़ी कर रहा हूँ भाई, थोड़ी वीडियो टकरी है, जहाँ मैंने दूसरी रात बिताई है अपनी, मतलब दूसरे दिन भी अच्छा यात्रा पे भैया ने मुझे जगह दी, तो अब हम प्रसाद देना आए हैं, साइकिल हमारी हो रही, वीडियो बहुत टकरी है, चलो दीपक भाई सर उनसे अंकित भाई से मिलने हैं, हो रहे बाकी अब चलता हूँ, ठीक है साइकिल उधर खड़ी है, वो क्या चाय वगैरह पी लो, वह नहीं अभी नहीं पीनी, साइकिल उधर खड़ी है भैया, बस निकलना है अब, चलो चलता हूँ आगे। पहुंच चुके हैं हम गढ़ मुक्तेश्वर, हाँ गजरोला से, चलो ठीक है घाट वगैरह ढूंढेंगे, जाते हैं और बिट्टू भाई को और बुलाते हैं अपने, ठीक है यार कुछ खाया नहीं, मैं खाऊंगा अभी नहा करके खाने के बाद, चलो गढ़ मुक्तेश्वर साइकिल उतार ला मैं सिद्धि बाकी देखूंगा कहाँ सुधर है। ये देख रहे हो ये खड़ी अपनी साइकिल, गंगा जल की एक अच्छी थी यहाँ पे माल, जल्दी से नहा लूँ, सामान है धरा मेरे कपड़े वपड़े, चलो खा चुका बिट्टू भाई लिया खाना, ठीक है ना ना मैं जा रहा हूँ, ठीक है अभी जा रहे हैं बिट्टू भैया, अपना सामान पैक करूँ मैं, बस जर्सी पहनूँ ना पहनूँ गर्मी बहुत हो रही है सर, चलो देख तो जल्दी सामान पैक कर लूँ, खाना खा लियो, चार पांच पराठे लिए और दूध लिया है, दही और दूध अभी, ठीक है चलो जल्दी से पैक करो निकलो यहाँ से। सर मैंने एक फ़ोटो खिंचवाई है यहाँ जो कि येरी, ऐसा थोड़ा पहली यात्रा तो याद रहेगी कि हाँ साइकिल के साथ यात्रा करी, कैमरा खिंचवा ली, तो बाकी अब निकल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है साइकिल वगैरह हो गई पैक, नहा लिया हूँ, बिट्टू भाई भी आ गए हैं, तो मैंने दिखाई है खाना वाना खा लिया, चलो तो चलने आ गए हैं, निकालूँ यहाँ से गढ़ मुक्तेश्वर से बाहर चलते हैं, ठीक है चलो।
गंगा आपको वहाँ दिख रही है, ये भी पानी बहुत कम है गंगा में जब चढ़ता है ना, तो जहाँ मैं खड़ा हूँ ना यहाँ से लेके सीढ़ियाँ दिख रही हैं, ये सीढ़ी तक पानी आता है पूरा जब गंगा चढ़ती है। अभी तो उतरी पड़ी है, चलो निकलते हैं बाहर, है ना। निकल गया हूँ गढ़ मुक्तेश्वर, इधर है लेफ्ट साइड पे, मतलब निकल गया हूँ, चल रहा हूँ कहाँ का टोल है, टोल को पार करता हूँ जल्दी से और फिर पिलखुआ। ओके चलो लेट्स गो भाई साहब, गढ़ मुक्तेश्वर टोल क्रॉस कर रहे हैं और पिलखुआ यहाँ से है कुछ 40-45 किलोमीटर दूर है, तो चलो पकड़ते हैं पिलखुआ को आज। ओके चलो, सुबह में मुरादाबाद से चला आया और यहाँ मैं सिंभावली के दौरे खड़ा हूँ। सिंभावली से मुरादाबाद है 90 किलोमीटर और टाइम हो रहा है 2:34। मैं भाई थोड़ी देर रुक के 10 मिनट खड़े रहूँ वहीं पे, पानी वगैरह भर लूँ बोतल में अंदर जो रखी है और फिर चलूँगा। ये फ्लाईओवर के ढलान पर खड़े हूँ जो आराम से गाड़ी में 2-4 पेंडल, साइकिल में 2-4 पेंडल मारूँ और लगती हुई चली जावे। ऐसा बहुत दर्द हो रहा हो यार पैरों में। 90 किलोमीटर मैं अब तक चल चुका हूँ और बाकी यहाँ से पिलखुआ कितना है वो देखूँगा, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 90 किलोमीटर में चल लिया हूँ, ठीक है, चलो बाकी आगे चलते हैं। अब 10-5 मिनट रुकना हो गया, पानी वानी भर लिया है। 2:44 मिनट हो रही है, तो चलो चलते हैं भाई, ठीक है। आवाज आ रही है ना, आ रही है, ठीक है चलो। तीन बज के 45 मिनट हो गए हैं, मेरी घड़ी ख़राब हो गई तो मैं पता ही है ना दिखा देता, और मैंने जो स्टार्ट करी है अभी 2:45 मिनट पे स्टार्ट करी है, जो मैं रेस्ट करने रुकाया, तो वहाँ से पिलखुआ कुछ 33 किलोमीटर हो, तो आप देखो पिलखुआ कितने किलोमीटर बचा हो, ठीक है। मैं स्क्रीन में साइड मारा होगा, ठीक है, मैंने 33 में से घटा जो आ रहा है सर, मैंने भी सब सुना, ठीक है। आ चुका हूँ अपने मामा के यहाँ और एक आज टाइम दिया है 4:45 हो गए, ठीक है ना। और कितने किलोमीटर मैंने कर दिए मुरादाबाद से यहाँ पे, मुरादाबाद से तो आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर, ठीक है चलो करता हूँ भाई ब्लॉग की, ठीक है ना। ओके चलो।